नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 384 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, हल्की सी गिरावट है इसमें, 3% की एक तरह से गिरावट है। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, कुछ ग्लोबल क्यूज़ की बात करेंगे, महंगाई बढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे, जो हाई रहा है 52 वीक हाई रहा है 427, तो वहाँ से गिरावट है। और लो था 149.45 रुपया, जब ये लो पे कारोबार कर रहा था तो बताने की कोशिश थी SBI काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो देखिए अच्छा खासा रिटर्न मिला है। बट जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी यहाँ पे पेन हो रहा होगा, जिन्होंने एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, तो आने वाले दिनों में और तेज़ी की संभावना रहेगी। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा निकलेंगे, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ेगा, तो डेफिनेटली स्टॉक में और ज़बरदस्त तेज़ी हो सकती है। बट ये घटी है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव है, प्रेशर है, और इसका जो मार्केट कैप इस वक्त का है 3,41,991 करोड़ का है, और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। PSUs बैंक हूँ मैं, एक तरह से तेज़ी बनी हुई है, खबरों में बने हुए हैं, और SBI एक तरह से दिग्गज स्टॉक है और निवेशकों को अच्छा माला माल किया। इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं तो 3 महीने में 45% का रिटर्न है, 1 साल में 32% का रिटर्न है, 3 साल में 45% का रिटर्न है। एक तरह से लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये ऊपर की तरफ गया था, और इसके रिजल्ट तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छे भी निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में SBI म्यूचुअल फंड का भी अब IPO आएगा, तो एक तरह से उसमें भी हिस्सेदारी है, तो SBI का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो बेटर है ही है। बट ये मार्केट में जो अभी खबरें चल रही हैं या न्यूज़ चल रही है, जैसे ग्लोबल क्यूज़ है, अमेरिका में एक तरह से काफ़ी हलचल मची हुई है, काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, इंडियन मार्केट में भी उसी तरह का हो रहा है, और लार्ज कैप में एक तरह से देखा जा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा सा डर के भी बेच रहे होंगे लोग, और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं फिर वो शॉर्ट करने लग जाते हैं, बायर फिर सोचते हैं कि और नीचे की तरफ मिले स्टॉक तब खरीदें। तो इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट की बात करते हैं तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार करेंगे। SBI स्टॉक देखिए एक तरह से दिग्गज बैंक है ये, और जिस तरह से अब बातें होने लगी हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो देखिए जो लोन लेने वाले हैं वो लोन लेंगे। अगर किसी को 15,000 का EMI देना है, 30,000 का देना है, 50,000 का देना है, अगर एक्स्ट्रा 500 रुपया और जुड़ जाता है, और मान के चले 1,000 और जुड़ जाता है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और जो लोन जिनको लोन मिलता ही नहीं है, जो लोन लेते ही नहीं है, तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ना। बट एक फ़र्क ये पड़ेगा कि FD के रेट बढ़ेंगे तो फिर इनके पास FDs आ जाएंगी, तो बैंकों को फ़ायदा ही रहता है। बट ये है कि मार्केट में करेक्शन होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोन नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जिनको लोन लेना होता है, जिनको गाड़ी लेनी होती है, जो और प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने होते हैं, तो वो लोन लेते ही लेते हैं और खरीदते ही खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। त्योहारों में देखिए, आज से 3-4 साल पहले 8-9% था, तब भी जो है अच्छे खासे इनका सेल्स होता था। तो दोस्तों एक तरह से ये थोड़ा सा इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा, ये नेक्स्ट मान के चलिए अप्रैल मई में इस तरह की खबरें आएंगी तब फिर एक गिरावट रहेगी, उससे पहले एक तेज़ी रहेगी। अब जैसे देखिए ये तेज़ होने से पहले इसमें गिरावट है, गिर रहा है, थोड़े समय के बाद हमें ये ऊपर की तरफ दिखेगा। तो जिन अभी ये गिर रहा है तो एक तरह से नए इन्वेस्टर्स के लिए मौका भी होगा, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए जो कारोबार कर रहे हैं, जो डे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए, 1-2% 3% का इस तरह का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए टेक्निकल चार्ट देखते हैं, उसके अनुसार बात करते हैं और रेजिस्टेंस सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के, पिछले कुछ समय से एक तरह से प्रेजेंट टाइम में जो इसका ट्रेडिंग रहा है ऊपर के लेवल पे 427 हाइक किया, तो ज़्यादातर देखिए एक तरह से रेड कैंडल दिखा रहा है ये, और इसमें देखिए अभी आज जो ट्रेड कर रहा है 393.80 रुपया में ओपन हुआ है, हाई बना है 393.80 रुपया और लो है 381.25 रुपया, और अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है 383 के आसपास कारोबार कर रहा है ये, 3.5% की गिरावट है। तो एक तरह से अगर ये आज 380 को होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर इस गैप को फिलअप करता हुआ दिख सकता है। जो तेज़ी आई थी ये लगभग मान के चलिए 260 के आसपास से सीधे ये 427 तक पहुंच गया, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली किया है लोगों ने। और जब स्टॉक गिरता है तो बहुत सारे लूज हैंड उसको बेचने भी लग जाते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए भी कारोबार करते हैं वो भी सेलर बन जाते हैं, और फिर थोड़े से बायर ये होता है कि गिर रहा है नीचे की तरफ आएगा तब लेंगे, इस तरह का होता है, तो स्टॉक गिर जाता है। बट ये कि लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है इसमें,
जो डेली कारोबार करते हैं, जो डेली कारोबार करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, जैसे मीन्स 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए कारोबार, उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। जैसे आज ये 383 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, तो मान के चलिए 380 और 378 का एक तरह से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर उसके नीचे क्लोज होता है, 380 से नीचे क्लोज होता है, थोड़ा सा फिर इसमें जो है गिरावट होगी और ये नीचे की तरफ हमें दिख सकता है दोस्तों, लगभग 365 तक दिख सकता है, फिर ये 367 तक दिख सकता है और ये गैप को पूरा फिल करेगा तो और नीचे की तरफ आ सकता है। लगभग मान के चलिए 357 तक दिखा रहा है ये, तो थोड़ा सा अभी कॉशस रहना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करना है। अगर ये बाउंस बैक नहीं करता है 374 या 370 के आसपास से, तो मान के चलिए फिर इसमें थोड़ी सी कमजोरी और हो सकती है। और ये पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी, लगभग 370 तक थी और उसी तरह का भी चार्ट में दिख रहा है, थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, दबाव बना हुआ है SBI में, फिर से ये उछाल मारेगा। और निफ्टी जिस तरह से भी कारोबार कर रहा है, अगर जिस दिन उछाल मारेगा तो इसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, एक तरह से ये होगा, मान के चलिए जैसे कि 393 है इसका आज ओपन हुआ है, तो वही एक रेजिस्टेंस होगा। ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस रहेगा 393, 393 के बाद 397 लगभग 400 और 410, और उसके बाद फिर हमें जो है 427 के आसपास जाता हुआ दिखता है। और जब 52 की हाई ब्रेक करता है तो और तेजी की संभावना रहेगी, तो कुछ समय के लिए हो सकता है इसमें थोड़ा सा दबाव रहे और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लगभग 370 के आसपास से इस एक तरह से इसको सपोर्ट लेना चाहिए SBI को, और उसके बाद जो है एक तेजी की संभावना और रहेगी दोस्तों SBI में। तो जिनके जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं, उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। जो डे ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो उनको जो है 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो थोड़ा सा अभी कॉशियस रहना चाहिए SBI में, और गिरावट थोड़ी सी दिख रही है, बढ़ रही है, दबाव बना हुआ है। और अब इसमें RSI का इंडिकेटर लगाते हैं तो उसके अनुसार चेक कर लेते हैं क्या दिख रहा है। देखिए RSI को देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं, तो एक तरह से 83 में था, वहाँ से गिरावट होकर अभी डाउन ट्रेंड में चला, 53 में आया है, पिछली बार भी लगभग 43 तक आया, तो थोड़ी सी गिरावट और रह सकती है SBI में। और जो अभी लेना चाहते हैं इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जो ट्रेड कर रहे हैं 2% 3% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से बने हुए हैं तो उनको बने रहना चाहिए, और जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस ने काफ़ी ऊपर के टारगेट दिए हैं, तो Q4 का रिजल्ट आएगा तो और तेज़ी की संभावना रहेगी। अभी हल्के से गिरावट है, और ज़्यादा गिरावट होती है तो फिर इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए, आने वाले समय में फिर तेज़ी की संभावना रहेगी। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपडेट था, एनालिसिस और विश्लेषण जो प्रेजेंट टाइम में खबरें चल रही हैं उसके कुछ पॉइंट्स थे। टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात थी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, आप लोगों को नए नए वीडियोज मिल सकते हैं, यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।